तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जब हम अपने गूगल पे में अपने यूपीआई जो पिन होता है उसको बार बार इंटर करते हैं इनकरेक्ट, तो उसके बाद यूपीआई आईडी फॉरगेट करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, अपने गूगल पे को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम अपने गूगल पे को ओपन करेंगे तो अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया होगा उस पर आपने सीधे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ से फॉरगेट यूपीआई पिन पर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, जो डेबिट कार्ड में जो लास्ट में 6 डिजिट होंगे उसको आपने यहाँ पे इंटर कर लेना है। नीचे पे आपने उसकी एक्सपायरी डेट जो भी है आपके डेबिट कार्ड की, तो उसको इसमें एंटर करके फिर आपने आगे नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बाद आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपने इसमें इंटर करके फिर आपने एक नया यूपीआई पिन सेट कर लेना है। इस तरीके से आप फॉरगेट कर सकते हैं।